जबान मुबारक से कराएंगे नहीं, थोड़ा सा आप दो बोल देना प्यारे प्यारे इनके बारे में, आपका रेफरेंस सही है मानी रखता है जैसे कि आजकल आप जो कुछ लिख रहे हैं उसके बाद जो है मैं अपना रेफरेंस रखना नहीं चाह रहा जितनी नहीं, नहीं, मैं गैर सेंस होने जा रहा हूं आपसे नहीं नहीं गैर सेंस होंगे नहीं। तनवीर भाई जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक है सहाफत से और इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करते रहे हैं, कुछ अरसा जो है वो इस्लामाबाद में अल जज़ीरा टीवी के साथ इन्होंने काम किया, बीबीसी पाकिस्तान के साथ जो है वो काम किया है, बीबीसी अमेरिका वाशिंगटन जो है तो वो भी कुछ अरसा काम किया है, वीडियोग्राफर भी हैं, वीडियो प्रोड्यूसर भी हैं, आजकल एक प्रोडक्शन हाउस के लिए जो है वो ह्यूस्टन में काम करते हैं और बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और सूफी डिस्कोर्स जहाँ पे वो मेरी कभी कभी गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं उसके पीछे यही बंदा है। तनवीर भाई थोड़ा सा आप अपने ज़बानी थोड़ा सा अपना गुनगा दें सर इस हवाले से, मैं बिहाइंड द कैमरा आदमी हूँ सर, मैं कैमरे के आगे बोलने में मुझे थोड़ा सा मसला होता है, बात हो गया जो होना चाहिए वाकई ऐसे ही है, अब यहाँ ह्यूस्टन में हूँ आपके सामने हूँ जितना उन्होंने बताया और इससे आगे मैं क्या। अमेरिका में कब से? अमेरिका आए से ही मुझे तकरीबन 2 साल हो जाएंगे मार्च में। जर्नलिज्म क्यों? जर्नलिज्म सही इसलिए कि मुझे ये फील्ड पसंद आई, मैं पहले कंप्यूटर हार्डवेयर की एक मेरी दुकान थी वो कंप्यूटर बना के बेचा करता था दुबई प्लाजा पिंडी में सेट था, तो इतफाक़ा नहीं सिर्फ आ गया एक दोस्त मिले मुझे वो उस टाइम जियो टीवी आई थिंक 90s की बात है, वो जियो टीवी नया नया था, उन्होंने कहा यार उनसे मुलाकात हुई, वो वीडियो एडिटिंग करते थे, उनको मैंने एक मशीन बना के दी जिस पर एडिटिंग देखी, उन्होंने मुझे हामिद मीर साहब से मिलवाया, मैं वहाँ जाना शुरू हुआ उनके साथ देख, तो मैंने कहा ये काम अच्छा है, तो बस फिर वो दुकान बंद कर दी और फिर दूसरी दुकान खोल ली उन्हीं के रेफरेंस से, फिर मेरी अलजीरा में जॉब हुई, वीडियो एडिटिंग और कैमरा वर्क शुरू किया, मैं वीडियो जर्नलिस्ट हूँ, नॉट समवन वो वाला जर्नलिस्ट नहीं है जो स्क्रिप्टिंग करता है या स्टोरी देता है, तो वो भी बीबीसी ने सिखा दिया वक्त के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, वसतुल्ला खान हो गए मेरे ब्यूरो चीफ तारुन रशीद साहब, उन्होंने लिखने का भी हुनर सिखा दिया, ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन मैं बहरहाल हूँ वीडियो जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। किसको जर्नलिस्ट सही मुझे तो ये लगा है कि जो बस इधर की उधर करता है क्या मतलब जबरदस्त मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे जर्नलिस्ट इधर की उधर करता है क्या मतलब हाँ अगर आप उस टर्म में पूछें कि एक खबर पहुँचाने वाला इंसान हो जो इम्पार्शियल हो जिसमें अपनी नजरियात या अपने जो एक उसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं जो एक खबर का एनालिसिस करे और उसको आगे तक पहुंचा दे, जिसको आप कह लें उसका क्रस्ट भी ढूंढ ले, उसको अंदाज़ा हो कि खबर का पहलू क्या है, यानी कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया जिसमें वज़ीर दाखिला साहब ने जो साबिक वज़ीर दाखिला थे उनकी आदत थी 1.5 घंटा वो या 2 घंटे से कम वो बात नहीं करते, लेकिन उसमें जो असल बात होती है वो अगर आप उसको बयान करना चाहें तो आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, हार्डली 20 सेकंड में कर सकते हैं, तो जल्दी वो होता है कि जो सारी तकरीर को सुन के 1.5 घंटे की या 2 घंटे की उसमें से वो एनालिसिस निकाल। अच्छा आजकल हर पाकिस्तानी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, फेसबुक का अकाउंट है, वो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बन सकता है, आपके ख्याल में उसको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि वो गाते गाते कहीं ना कहीं कुछ गाना शुरू कर ही देगा, लेकिन अभी बात छुपी रहती है और बात क्योंकि वीडियो पे नहीं आती है तो हम अंग्रेज़ी में स्टेटस लगाते हैं या लिखते हैं तो हम अपनी बात को सही तरह कन्वे नहीं कर सकते, इमोशंस भी कन्वे नहीं कर पाते, तो मैं तो प्रो हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? सही, उसमें हमारे सामने अभी कुछ मिसालें मौजूद हैं, खौफ की फिजा है, मैं ये तो नहीं कहता कि वो इतना असल है जितना बना दिया गया है कि जी आपको एजेंसीज उठा लेंगी आप को, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप किसी आदमी के बारे में बात, मेरा चूंकि खबर ऐसा इदारे से ताल्लुक रहा बीबीसी से तो हम तो खबरें ही दिया करते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ अच्छी खबरें भी तो होती है ना जो खबर वाले, सही अच्छी खबर कोई खबर नहीं होती, मुझे तो ये सिखाया बीबीसी में सारे मीडिया हाउसेस अच्छी खबर पप्पी नहीं दिखाते ना, थप्पड़ दिखाते हैं, नहीं सही वो अच्छी वो दिखाते हैं जिनको फोन आ जाते हैं ना ऊपर से, फिर वो उनको दिखानी पड़ती है अच्छी, लेकिन दिल से नहीं दिखाते, मतलब नेचुरली वो नहीं दिखाना चाहते वो चीज़, सही है। तो आपके ख्याल में एक आम आदमी को अपना कैमरा उठा के एक ब्लॉगर बन सकता है, एक जरूरी नहीं है कि वो खबर की दुनिया में है, वो एक मालूमात
को आगे फैलाने का जरिया बन सकता है, वो एक ऐसी ब्लॉग शुरू कर सकता है। अभी पिछले दिनों एक मैं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे कि एक बच्चा है छोटा सा यहाँ यूएसए में जो अपने छोटे छोटे खिलौनों का एनालिसिस करता है 3-4 साल का, एंड ही इज मेकिंग लाइक उससे वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से देखें तो अरबों रुपये कमा रहा है। तो एक प्रोडक्टिव चीज़ है, उसको अगर वो कमाई का जरिया बनाना चाहें तो छोटे छोटे अपने मुख्तलिफ वीमियो पे यूट्यूब पे अपने चैनल्स बनाएं, उसमें लोगों को मालूमात दें, उनको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे मेरा शहर कराची एक शुरू कर दें एक सीरीज़ कराची के बारे में, वहीं के यूथ वहीं के बच्चे आपको मुख्तलिफ जो उनके सीवीओ है, बहुत सारे लोगों को तो पता है लेकिन बाहर के लोगों को शायद नहीं पता कि वहाँ पर कैसे ऊँट चलता है, वहाँ पर कौन एक छोटे सी वो बालियाँ बेच रहा है या वहाँ पे वो पूल वाला क्या कर रहा है। तो उसकी एक अपनी ज़िंदगी है, मुख्तलिफ एक जगह के अंदर कई स्टोरीज हैं, तो इस तरह की चीज़ें शुरू की जा सकती हैं और करनी चाहिए। लेकिन हमारी यूथ का आलमिया ये है कि वो अभी शायद इस गहराई तक सोच नहीं रही, या जो सोच रहे हैं तो यूथ को छोड़े ना, मैं तो आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ, यूथ को छटखट्टे में डालने, यूथ क्या कर रही है आप बताएं ना कि करना क्या चाहिए उसको, उसको बनानी चाहिए रोटी और मंगवानी एक रोटी आ ले भाई, उसको वो कहानियां बनानी चाहिए ना। असल में करना तो चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो पाकिस्तान में जो अभी तक एक जनरल सोच है, अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि जो सर्च किया जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें वो बड़ी सतही सी हैं कि जी शाहरुख खान ने क्या कर लिया, और फिर वो सर्च की बात नहीं कर रहे। मेरा सवाल सिंपल है कि 40 मिलियन फेसबुक यूजर है पाकिस्तान जी, 40 मिलियन जो कि बहुत सारे ममालिक को मिला के भी नहीं बन पाते। अच्छा ना? अगर हम वहाँ से अपने जो दिल के हाल हैं, जो हमारे दिल, हम समझते हैं कि अगर ट्रंप ने हमें कुछ बुरा कहा है या फ़लस्तीन के बारे में हमारे शौक हैं, हमें इंडिया को अच्छा या बुरा जो भी जानते हैं ओपिनियन है, वो ओपिनियन हम अगर हम वीडियो की शक्ल में बना के जब डालेंगे तो फैलती है, कमरे के अंदर रखने से तो फैलती नहीं है। जब कोई चीज़ फैलती है तो वो मेरे नज़दीक दुआ की तरह होती है, एक्शन की तरह होती है, वो फैलना शुरू हो जाती है। 40 मिलियन लोग अगर हफ्ते में एक वीडियो या महीने में एक वीडियो लगाएंगे तो 40 मिलियन पता नहीं कितने 4,000 मिलियन लोगों तक आवाज़ जाएगी, तो हमारे मुल्क का ब्रांड भी फ़र्क होगा, हमारे लोगों को लोग जानेंगे, हमें समझेंगे, पहचानेंगे। हर एक ट्रैवल तो नहीं कर सकते, 40 मिलियन आदमी को आप टिकट तो नहीं दे सकते कि चलो जी घूमने चले जाओ, तो उससे कुछ ना कुछ उसको सीखने को भी मिलता है। जब वो कमेंट करता है, अपना रिफ्लेक्शन देखता है, अपनी शक्ल देखता है कैमरे में, तो उसको अपनी शक्ल भी नज़र आती है। आपका क्या ख्याल है इस, ये मेरी सोच में कुछ मुझे तब्दीली करनी जरूरत है, बिल्कुल जान है। और इसकी वजह ये कि ये अभी फिनोमेना कदर नया है पाकिस्तान में, अभी 3G को आए हुए कोई बहुत ज़्यादा 2-3 साल के अंदर ही हुआ स्मार्टफोन का आना, और लोगों के अंदर एक छोटी झिझक भी है कैमरे के आगे। मैं पिछले 12 साल से कैमरे के पीछे था, आज मुझे पहली बार मौका मिल रहा है कैमरे के आगे बात करने का, तो एक थोड़ी सी घबराहट थी जेब में। नहीं, मौका है, मैं चाहता ही नहीं था कि मैं आगे सामने आऊँ। क्या तो उसकी वजह ये कि मैं चाहता हूँ, शायद मुझे अपनी बात करते हुए लोगों के सामने एक झिझक है, यानी कि मैं इसके बगैर तो कर लूँगा ये जो आपने सामने लगाया हुआ है, जो हर एक के हाथ में, हर एक के हाथ में, लेकिन ये कि एक घबराहट सी है कि यार मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। होता है कुछ ना कोई एक नफसियाती पहलू है। मेरा ख्याल है कि ये चेंज आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त अभी बना है, वो लड़का है कराची में है, उमर खान उसका नाम है, वो आई थिंक मैक के लिए लिखता भी है। उसने मुझसे फिर मशवरा किया कि तनवीर भाई मैं इस तरह से चैनल शुरू करना चाहता हूँ, ब्लॉग्स बनाऊँ फेसबुक पे यूट्यूब पे, लोग अपनी सोच आगे लेके आए। तो इसके अलावा भी एक दो लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये बात की है, तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। उसमें लोग ज़्यादातर जो हैं अभी तक मीडिया हाउसेज ही हैं जिनके अपने मतलब नहीं आया नहीं, तो हमें हमें तो पूछ रहे हैं कि मेरी सोच में कहीं नक्स है तो मैं उसको ठीक नहीं, आपकी कोई नुक्स नहीं है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। जहाँ तक आपसे शुरू करते हैं, मुझसे शुरू करेंगे मसलन, नहीं आपसे शुरू हो गया ना आज, आप चलेंगे आप बताना तो शुरू करें ना, आपके दिल में जो आप जो कुछ मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से जी, हर पाकिस्तानी चाहता है उसको अमेरिका का वीजा मिल जाए, वो यहाँ मूव हो जाए, लेकिन उसको यहाँ की हकीकत को नहीं जानता है। आपकी नज़र से अगर आप उसको छोटी छोटी वीडियोस दिखाएंगे, तो मिसाल के तौर पे हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, नहारी खा रहे हैं ह्यूस्टन में बैठ के, जो पालक पनीर है, पालक पनीर जो है जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं मिलता है, तो ये रोटी ताज़ा ताज़ा आ रही है, क्यों नहीं मिलता सर? मिलता तो है नॉर्मली नहीं मिलता है, जनरल बात करना, जनरल बात कि जिस तरह अगर आप रेगुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पालक पनीर मैंने तो नहीं देखा आज तक। अच्छा
तो हम जब मिसाल के तौर पे यहाँ हम हैंग आउट करते हैं, स्टारबक्स चले जाते हैं, आपके पास वहाँ स्टारबक्स नहीं है, तो वो जो चीज़ें हम यहाँ से सीख के उनको सिखा सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं ना, लेकिन उनको आइडियाज़ मिल जाते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको आइडियाज़ मिल जाए, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे वो कंप्यूटर लेने आपके पास आया एक आदमी, उसने एडिटिंग के लिए कंप्यूटर खरीदा, आपने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो बस ये एक आदमी बोल दे तो यानी कि मैं बोर हो चुका था। मैंने अपनी जिंदगी में शायद 100-150 कंप्यूटर तब तक जोड़ के बना लिए थे, मेरे लिए वो एक मोनोटोनस सा काम था, मेरी तबीयत में शायद एक बेचैनी कह लें या उसको कह लें एक वो थी कि यार अब दिस इज इनफ, नाउ आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स। सहाफत में आया तो नहीं आया, बस वो हादसाती तौर पर कह लें, लेकिन वो फिर मुझे चस्का पड़ गया खबर क्या होती है। एक असल में आपको ऐसा लगता है कि आप एक बड़े किसी चीज़ का हिस्सा हैं, खबरें आपके हाथों से बन रही हैं, आपके सामने से जा रही हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं BBC में था, दो तीन ऐसे मैं सिर्फ हालांकि कैमरा वर्क करने गया वहाँ पे, मैंने वो थोड़ी सी लाइटिंग सेट की, कोरियोग्राफी की, उसको रिकॉर्ड किया। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स हुआ करते थे सीनियर, उन्होंने कोई ऐसा सवाल किया किसी साबिक जर्नल से या किसी हाजिर सर्विस वजीर से कि उस पर पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और पूरे चैनल्स पर वो टिकट चलना शुरू हो गए, और तो आपको लगता था कि आप किसी बड़ी गेम का हिस्सा हैं। लेकिन मतलब वो भी कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक टाइम आता फिर आप उससे बोर हो जाते हैं। तो मेरा जब वो 10-12 साल गुजर गए, फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और मैंने ये सोचा बेसिकली मैं यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरे जो बच्चे हैं उनको एक आज़ाद सोच, एक इसको ये नहीं है कि वो धैर्य हो जाएं, लेकिन उनको बहरहाल एक इसको कह लें कि ऐसे, मैं इस माशरे की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा, इसमें बुराइयाँ, लेकिन बहरहाल जो यहाँ का तालीमी सिलसिला है, ख़ास तौर पर जो पब्लिक स्कूलिंग है, मेरे तीन माशाल्लाह एक बेटा भी यहाँ पर भी हो गया, मैं चाहता हूँ कि वो एक ऐसे स्कूल सिस्टम से गुजरे जिसमें उनको सवाल करने की सोच उनके दिमाग में वो पैदा हो। हमारे ये अलिया रहा मेरे साथ ख़ास तौर पे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हमें वो जो डंडों से और वो चित्रों से, बल्कि वो बेल्ट से भी मेरे एक टीचर माशाल्लाह मारा करते थे, तो हमें डरा दिया गया, खौफ, हमें ये लगा कि सवाल करना कोई बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के आगे कोई आर्ग्यू करना कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे अब आपको कोई पता नहीं तबाह कर देंगे। तो आपके ख्याल में अगर 10 मिलियन लोग अपना फ़ोन उठा के सवाल कर लेंगे तो कोई माइक बाप उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, लेकिन वो 10 मिलियन अभी डरे हुए हैं उन चंद मिसालों से जिन्होंने सवाल किए और फिर उनको रगड़ दिया गया। कभी मजहबी एक्सट्रीमिस्ट कितनी सभी इनकी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में तो कम अज़ कम 10 लाख होने चाहिए। कहाँ से शुरू होगी? इसी एक ने तो अपनी जान दे दी हमारे लिए, लेकिन हमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, डर गए वजह इसके कि कहते हैं कि नहीं हम भी ये बनेंगे, तो कह रहे हैं रोटी खा लें। नहीं अभी तो अब वही बात है कि वो सबीन तक फिर वो मामला चला जाएगा ना, जब आपको सवाल करने की आदत पड़ेगी, जब आप ब्लॉग्स बनाएंगे, जब आप हल्के फुल्के एक रेस्टोरेंट के या किसी इलाके के अगर आप चले खानों से शुरू करेंगे तो फिर आप थानों में भी जाएंगे, तो फिर वो होते होते फिर वो आप बैरकों में भी जाएंगे, तो फिर वो एक आदत तो बन जाएगी, उसको रोक तो कोई नहीं सकता, कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए। और अगर जमीन चले गई हैं तो और भी जमीन आ सकती हैं। अभी जैसे वो जीना शहजादी थी जिसको हमारी एजेंसियों ने कहा जाता था कि उठाया, तो बहुत सारों को नहीं भी तो उठाया यार, उनका भी तो जिक्र तो करते हैं। ये तो बड़ा मसला है, उठाए बगैर कोई जिक्र ही नहीं, जिनको नहीं उठाया वो तो खबर नहीं है ना, जिनको उठाया वही खबर है ना, ये प्रॉब्लम है ना, खबर से खबर निकाली जाती है। सही, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं जब तक कत्ल नहीं हुआ, यानी कि वही तो हमारा मसला है ना, रोज के 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, खबर है नहीं। इसका जो ना क्राइटेरिया यही है सारी दुनिया में, खबर यही है, जब तक 20,000 बच्चे पैदा हुए वो खबर नहीं है, एक बच्चा मर गया वो खबर खबर है। पता नहीं कुछ ऐसा है, मतलब मैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव की उससे नहीं देखूंगा, लेकिन एक तासुर जर्नलिज्म का, मेरे उस्ताद, मेरी मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बड़े सीनियर हैं ब्यूरो चीफ पाकिस्तान में, उनके साथ मैं काम किया, तो एक दिन मैंने वैसे ही जनरल हम करते रहते थे वहाँ, अक्सर धमाके शमाके होते हैं, मैं कैमरामैन था, मैं जाता था, मैं बाकायदा जूतों के नीचे से इंसानों के जो वो गोश्त के लोथड़े होते थे वो साफ करता था। इंसान एक टाइम आता है वो बड़ा सख्त जान हो जाता है इस हवाले से, बाद में बेशक उसको कुछ असर हो। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक दो धमाकों की कवरेज की और मैं आया दफ्तर में, वो एडिट की वो रिपोर्ट, उसमें से इंसानी अज़ा भी थे वो काट दिए, क्योंकि BBC की एक पॉलिसी है कि आप कटे हुए पैर या कटे हुए गले नहीं दिखा सकते, तो आप सिर्फ दूर से लोथड़े ही दिखा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी एक जर्नलिज्म का हिस्सा है। अच्छा खैर, कहने का मकसद ये था कि ये सब देखने के बाद मैंने कहा अरुण साहब ये क्या है, ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, ये धमाके ठीक नहीं हो सकते। अब मैंने उनका नाम ले दिया, आइए मेरी याद से अरुण भाई, सलाम अलैकुम। तो ये कैसे ठीक होगा? तो
उन्होंने कहा यार अगर ये ठीक हो गया तो फिर ये हमारे जो खबर रसा इदारे हैं ये BBC CNN और ये AFP और जो लोकल है ये क्या करेंगे और क्या खाएंगे. मतलब उन्होंने इसको जस्टिफाई नहीं किया लेकिन हमारा काम ही कुछ ऐसा है साथियों का कि शायद हम जो कुछ गलत हो रहा होता है उसी को दिखाते हैं. अगर शायद सही हो जाए तो शायद सहाफत ही खत्म हो जाए पाकिस्तान में. जान नहीं रहता ना. आप दोनों को मेरा मशवरा है कि पीनियल ग्लैंड को स्टडी करें. ये क्या होता है सर? अब उनकी तो उनको तो मैं नहीं बोला कभी लेकिन ये बात बट दैट विल एक्सप्लेन यू कि हम क्यों करते हैं. और दूसरा पीटर डेमेंटस को एक बहुत अच्छी टेट टॉक है उसको समझें. उसको अगर देखेंगे तो आपको एक अलग रुख नज़र आएगा. जो कि मैं भी परेशान बहुत फ्रस्ट्रेट रहा हूँ बहुत अरसे तक. मैंने एक अखबार भी निकाला खुशखबरी के नाम से. उसमें हम कोई ख़बर नहीं छापते थे ख़राब. उसकी हेडलाइन होती थी इस हफ्ते इतने बच्चे पैदा हुए. हेडलाइन ही होती थी और कोई हेडलाइन अलाउड नहीं थी. बट खाना गरम ठंडा करके आपने तबाह करके अब आप खाएंगे क्योंकि वो आपको अच्छा लगेगा. खाना नहीं मुझे तो खाना गरम खाना नहीं खाएंगे आप. गरम कोई जरूरी थोड़ी गरम खाना. गरम खाना खाने वाले में मजा आना था आपको. तो मजा की सारी जिंदगी मजे ले लिए कितना मजा लेंगे यार. खा लें वो तबाह. शुक्रिया बहुत बहुत.